गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं लग गई हूँ सुबह के कामों में, और सुबह सुबह की वही साफ़ सफाई घर की, क्लीनिंग वगैरह सब, यही सब मुझे करना है। और ये कल के कपड़े हैं जो सूखे नहीं थे अभी तक, यहाँ रखे हुए हैं फ्रेंड्स। और बाहर का मौसम देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट अपने काम निपटा रही हूँ, और ये ना सारा पोर्च एरिया वगैरह सब मुझे ना साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जो ओरियो प्रिंस है ना, वो वॉक करके आते हैं और पूरा मिट्टी मिट्टी कर देते हैं पूरा घर। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, और मैंने नाश्ते में बनाया है नूडल्स, और ये अभी लेटी हुई है देखिए। और इधर ग्लास में मैंने अपने लिए चाय भी ली है। तो मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया, सुबह का सारा काम हो गया है फ्रेंड्स। तो अब बस दोपहर का मुझे लंच बनाना है। पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद लंच बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने नाश्ता कर लिया है। तो अब चलते हैं लंच बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं दाल और ये आलू धो के रखी हूँ। तो मैं ये दाल जब बनाऊंगी ना, तो इसी में ये आलू भी डाल दूंगी बॉईल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ गैस पे, और रोज़ यही खाना, बोर हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या बनाएं। आप लोगों के साथ भी ये होता होगा, और मेरे साथ तो अक्सर होता है कि कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें बच्चे नाक ना सिकुड़े, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हर समय बस नाटक। तो पहले दाल चावल रेडी करते हैं, और फिर दाल फ्राई भी करनी है मुझको। तो मैंने इसमें नमक और हल्दी डाला है, तो चलिए दाल बनने के लिए रखते हैं। और ये जो आलू है ना, ये भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये आलू रहेंगे ना तो अगर सब्जियाँ बच्चों को नहीं पसंद आई तो आलू फ्राई कर देंगे तो बच्चे खा लेंगे। तो चलिए पहले मैं कुकर बंद करती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने रख दिया है दाल बनने के लिए, और देखिए किचन मैंने पूरा क्लीन करके रखा है। नाश्ते के भी जितने बर्तन थे सबको मैंने धोया, और ये देखिए सिंक खाली है। और ये जो मेरी तवा है ना, तो मैं इसको, जंग ज़्यादा काला दिख रहा है तो ये नींबू से छुड़ाने के लिए मैं रख दी हूँ। तो ये नींबू पानी से थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको रगड़ के अच्छे से दिए से, पत्थर से घिस के साफ करूंगी, और उसके बाद फिर बाकी का काम। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं गाइस। तो दाल बन गई है, और ये देखिए चावल मैंने धो के रखा है। तो चलिए चावल बना लेती हैं, और फिर बच्चों को दाल चावल खिलाऊंगी। और सब्जियां बनी हुई हैं, तो सब्जियां आज मैं नहीं बना रही हूँ, बस आलू फ्राई करूँगी। तो फिर खाना पीना करते हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको मिलती हूँ शाम को। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसे देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आलू भी उबल गया है। तो मैं बच्चों के लिए इसको फ्राई कर दूँगी, और हमारे लिए है सब्जी। तो चलिए पहले हम चावल बनाते हैं, फिर खाना बच्चों को खिला के मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। फ्रेंड्स, खाना वगैरह करने के बाद ना अचानक से देखा मैंने बारिश चालू हो गई, और हमारे यहाँ पावर कट भी हो गया। तो मैं बाहर निकल आई हूँ, और देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ना वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, और फिर हम सब आराम करने चले गए। बच्चे भी ना पानी में भीगते अगर सोते नहीं, तो मैं सबको सुला भी थी। और फिर शाम का टाइम है फ्रेंड्स, तो ये मैं डिनर बना रही हूँ। तो अभी डिनर में ना पनीर की सब्जी बन रही है फ्रेंड्स, तो मैं उसी के लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। और सिंक में कुछ बर्तन भी हैं, तो उनको भी साफ़ करना है। तो मैं फटाफट लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी में। और बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है तो वो होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। तो मैं किचन में हूँ, तो फटाफट निपटाने के बाद मैं बच्चों के पास भी जाऊँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सुबह ना लाइट नहीं थी ना, तो उसके कारण दोपहर को काम बहुत सारा बच भी गया था, क्योंकि अंधेरे में ना कुछ करने का मन नहीं होता। और अभी रात के ना 8 बज रहे हैं, तो जो चाय नाश्ते के बर्तन थे शाम के, तो ये मैं उनको साफ़ कर रही हूँ ताकि क्लीन हो जाए सब, और फिर काम भी थोड़ा कम रहता है। नहीं तो ना काम का ढेर हो जाता है, और करना खुद को है तो क्यों ना फटाफट कर ले फ्रेंड्स, और रखने से तो करना हम ही को ही है। तो इसलिए मैं फटाफट लग गई हूँ।
और इधर मेरी सब्जी की ग्रेवी भी तैयार हो गई है। बस इसमें मुझे पनीर ऐड करना है, तो बस कुछ बर्तन है इनको धुलने के बाद मैं वो भी कर लूँगी। और आज दोपहर को ना जब बारिश हो रही थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से यहाँ पानी नहीं बरस रहा है। अचानक से जब दोपहर को पानी बरसा ना तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। और आज भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज भी बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सब्जी रेडी कर दी है और ये मैंने कुछ पनीर बचा लिया था, तो इसको मैंने इसमें क्रश करके डालूंगी। इससे ना ग्रेवी भी अच्छी थिक हो जाती है और टेस्टी लगती है। मैंने इसमें सब डाल दिया और इसे मैंने ना दूध भी बॉइल करने के लिए रख दिया था। दूध वाले भैया आए थे देने के लिए, तो और हमारे यहाँ ना अचानक से बारिश चालू हो गई है, इसके कारण ना मैंने कल ना पूरी ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी रेडी है, बस अब मैं बंद कर दूंगी गैस। और इधर मैंने दूध भी बॉईल करके रखा है, तो इसको पहले ढक देती हूँ ये जाली से, क्योंकि बारिश है ना तो कुछ भी गिर सकता है। और इधर मैंने ना केक बनाने के लिए ना ये केक टिन ना रेडी करके रखा है, और ये मैंने पेस्ट बनाया है जो, तो मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो पहले ना माइक्रोवेव ना प्री हीट कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए मैंने टिन में ना केक डाल लिया है। और फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रही हूँ माइक्रोवेव में, नहीं तो हमेशा मैं कढ़ाई और कुकर में बनाती हूँ। और मैंने ना ये देखिए प्री हीट करने के लिए ना ओवन को अपने स्टार्ट कर दिया है, और ये भी आ गए हैं। तो पहले मैं बना लेती हूँ, तो हमारा प्री हीट हो चुका है, अभी 2 मिनट और बचे हैं फिर हमारा केक मिलेगा। हाँ, इसकी बेसब्री कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। प्री हीट होने में 1 मिनट और ना, उसके बाद बनाते हैं, ठीक? चलो। और इधर देखिए ये आ गए हैं, और ये कैसे बैठी हुई है। क्या चाहिए प्रिंसे? प्रिंसे क्या लोगी? ये इनकी लाडली है। प्रिंसे क्या चाहिए, क्या चाहिए? नहीं, अभी मैं ओरियो पे मुंह में लड़ने आई है ये। मार, नहीं। ये यहाँ छुप गया आके। हाँ, ये कहना मानती है अपने पापा का, भगा दी उसको, बुला ओरियो को बुला ले बेटा। नहाने चलो। हाँ चलो। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जी बनाएंगे केक, तो चलिए देखते हैं कैसे बना रहे हैं। बीस मिनट बस। फ्रेंड्स, तो यहाँ हम दोनों का खाना निकल गया है, हम दोनों एक साथ खाएंगे। और ये देखिए आज के खाने में ये मैंने अभी बनाए हैं, और ये दोनों सुबह का है, और ये रोटियां हैं, इसमें चावल है। तो चलिए मैं भी शुरू कर लेती हूँ खाना, क्योंकि टाइम हो गया है, 10 बज रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम सब चल रहे हैं केक कट करने के लिए। और ये देखिए कितना अच्छा हुआ है ये, और अच्छी तरह से पक गया है। तो चलिए हम सब मिलके खाते हैं इसको। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और देखो इन दोनों को भी देखो, इंतजार केक खाना है। कितना सुंदर है, स्पंजी है ना, दिखा देखो। और अंदर का भी अच्छे से पक गया है, अच्छा हो गया। सो फ्रेंड्स, हम सब ने केक खा लिया, आप देखिए इतना बचा है। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।